वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंजेश। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि कंपेयर कैसे करते हैं किसी भी क्वांटिटीज को। हमने सीखा था किसी क्वांटिटीज को कंपेयर कैसे करते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी जिनको कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जब क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसका एक तरीका होता है परसेंट, कि क्वांटिटी को हम लोग परसेंट में कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर सबका बेस 100 कर दे, यानी कि हम उसको 100 में से देखें कि 100 में से कितना, तो ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को इजीली हम लोग बता सकते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं तो हाँ ये कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, ये कंपैरिजन हम लोग इसमें देखते हैं। तो आज की क्लास में हमको क्या देखना है कि परसेंट में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो क्या होता है। ये केवल क्लास 8 के लिए वैल्यूएबल नहीं है, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम आएगा। सुनने को मिलता है कि पेट्रोल के दाम जो है 10% बढ़ गए भाई, और जो शेयर्स के रेट जो है तो 5% डाउन हो गए। तो ये 5% 10% का इंक्रीज क्या है, ये क्या होता है कि जो इसका बेसिक जो रेट होता है, जो भी उसकी बेसिक वैल्यू होती है, उसको क्या है, उसको हम कंपेयर करते हैं 100 के हिसाब से कि हर एक 100 में कितना बढ़ा है या कितना घटा है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल है कि द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ। यानी कि एक स्कूटर उसका प्राइस लास्ट ईयर कितना था, 34,000 रुपीज था, लेकिन इस साल उसका जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया है, तो उसका नया प्राइस क्या है। अब हमको जो सब क्वेश्चन है, हमको ये क्वेश्चन में समझ में आया है कि जो स्कूटर है उसका लास्ट ईयर प्राइस कितना था, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्कूटर लास्ट ईयर 34,000, यानी कि स्कूटर का रेट कितना था, 34,000 रुपए था, लेकिन इस साल कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज परसेंट इन प्राइस ऑफ स्कूटर। यानी कि स्कूटर का जो प्राइस है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 20% का। तो हमको यह बताना है कि इस साल उस स्कूटर का प्राइस कितना है। तो इसमें हमको क्या करना है, सिंपल सा है कि इसमें हमको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है और उसको ऐड कर देना है कि इस साल उसका जो 20% निकला है तो कितना होगा। तो इसको भी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम इसका 20% निकालें कि 20% कितना होता है, 20% किसका निकाल रहे हैं, 20% हम इसका निकाल रहे हैं, 20% ऑफ 34,000, तो ये कितना होगा, 20/100 × 34,000, ये कटेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,800। यानी कि 20% 34,000 का कितना हो रहा है, 6,800। तो अब नया जो रेट हुआ है तो इतना इंक्रीज हुआ है, जब इंक्रीज होता है कोई चीज को उसको हम ऐड करते हैं, तो आरएस 34,000 प्लस रुपीज 6,800, तो ये कितना होता है, 6,400। यानी कि इस साल स्कूटर का रेट कितना हुआ, 40,800। लेकिन इसको करने का एक दूसरा तरीका है जिसको हम लोग समझेंगे तो जो इजी होगा, और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी हो गया, एफकैट एग्जाम्स हो गया, और कई जो एग्जाम्स है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो कि हम लोग काम करते हैं और काफी इजी है और काफी टाइम सेविंग भी है जैसे। तो दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि टोटल अब हम क्या बता रहे हैं कि जब परसेंट की बात कर रहे हैं 20% इंक्रीज हुआ है, यानी कि हर एक 100 में 20 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 20 का। तो अब अगर हम पूरे को 100% मान लें कि हमारा जो पूरा 100% है वो 34,000 के बराबर है,
34,000 के बराबर है। अब 100% हमारा इंक्रीज कितने का हुआ, 20% का। तो 20% का जब इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा, 120%। 100 पहले था, अब 20% का इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 120% हो गया। तो अब हमको इसकी नई वैल्यू निकालनी है, इसकी नई वैल्यू कितनी होगी। तो हमको नई वैल्यू निकालनी है, 120% निकालना है। किसका निकालना है, 100% का। 100% का तो ये क्या कितना हो जाएगा, ऑफ 34,000 कितना होगा, हमको यही निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40,800। हमारे दोनों कंडीशंस में हमारा सेम वैल्यू आ रही है। तो ये दो अलग अलग तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड करते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है परसेंटेज। यहां पास 120% हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। तो 20% निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि 20% जो है उसको अलग से निकाल ले और उसको बाद में ऐड कर दे, ओरिजिनल प्राइस से ऐड कर दे। और दूसरा तरीका ये है कि पूरा 100% अब जिसकी वैल्यू माने है उसको रख दे, 100% इसके बराबर है। अब इसमें 20% जब इंक्रीज हो रहा है तो 100 से 20% इंक्रीज होगी, 120% हो गया, तो वो नया प्राइस कितना होगा। तो जब 120% किसका 100% का निकालेंगे तो 100% हमारा कितना, 100% इसका बराबर कितना होगा। तो इसको अगर ऐसे समझना है कि अगर हमको रेशियो में देखना है, कंपेयर करके देखते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। कैसे कि हमारा जो 120% हुआ नया, नई आइडेंटिटी हमारी 120% की हुई, कितने में, 100 में, परसेंट मतलब 120%, परसेंट मतलब अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 की तो वैल्यू हमको पता है 34,000 होती है, लेकिन हमको इसकी नहीं पता है तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब इसके बाद हमने वही करना है कि इक्वल जो है, जो इक्वल को हमने बताया था कि भाई ये कुल होता है कि जो इधर डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में होगा तो सेम कंडीशन आएगी, सेम टू सेम यही कंडीशन आएगी। और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसी वैल्यू कितनी आएगी, 40,800। तो हमको क्या मिला कि नया जो प्राइस है, द प्राइस नाउ ऑफ द स्कूटर इज 40,800 रुपीज। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब डिक्रीज करेंगे प्राइस, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो सिंपली इसमें क्या होगा कि हम इसमें जैसे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज होने पर इसको बढ़ा रहे हैं। तो अगर 20% का डिक्रीज होता है, अगर मान लेते हैं कि जो स्कूटर का प्राइस है उसमें अगर डिक्रीमेंट डिक्रीज होगा, 100% से अगर 20% डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज होना मतलब माइनस होना, तो कितना रह जाएगा, टोटल वैल्यू का 80% रह जाएगा। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, पहले 20% निकाले फिर माइनस करें, और दूसरा ये है कि 100% मान के इसको टोटल को और 20% माइनस कर दें, फिर उसका वैल्यू निकाले 80% ऑफ 34,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फिर से वही वैल्यू आएगी, जो न्यू वैल्यू आएगी कि इसका प्राइस डिप्रिसिएशन के आधार पर। मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज आरएस 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यानी कि एक आदमी की जो सैलरी है उसमें 10% की इंक्रीज हुई है, अब उसकी नई सैलरी अगर 1,54,000 है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी रही होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ बाइक वॉज 40,000 लास्ट ईयर, इफ इट्स प्राइस डिक्रीज बाई 15% दिस ईयर, वॉट इज द न्यू प्राइस ऑफ हिज बाइक। यानी कि एक बाइक है उसकी जो लास्ट ईयर उसकी प्राइस कितनी थी, 40,000, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 15% इस साल घट गई है। तो ये बताना है कि इस साल अब उसकी जो बाइक है उसका नया प्राइस कितना होगा। तो इसको भी जब माइनस भी करना है तो उसी मेथड से करना जैसे बताया गया था।
तो इसको सॉल्व कर आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। थैंक यू।